नमस्कार। आजादी के इस अमृत काल में देश की आजादी के और देश के कोटि कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैंने आपको अमृत रक्षक इसलिए कहा क्योंकि आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की, देश की रक्षा भी करेंगे। इसलिए एक तरह से आप इस अमृत काल के जन और अमृत रक्षक भी हैं। मेरे परिवारजनों, इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे इस क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सेना में आकर सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर, पुलिस सेवा में आकर हर युवा उसका सपना होता है कि वो देश की रक्षा का प्रहरी बने। और इसलिए आप पर बहुत बड़ा दायित्व होता है, इसलिए आपकी जरूरतों के प्रति भी हमारी सरकार बहुत गंभीर रही है। बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था, अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। पिछले वर्ष भी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में सैकड़ों आदिवासी युवकों की नियुक्ति की गई थी। इन्हें नियमों में छूट देकर सुरक्षा बल में भर्ती पाने का अवसर दिया गया ताकि विकास की मुख्य धारा से जुड़े रहे। इसी तरह बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और उग्रवाद प्रभावित जिलों के युवाओं के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कोटा बढ़ाया गया है। सरकार के प्रयासों से अर्धसैनिक बलों को लगातार मजबूती मिल रही है। साथियों, देश का विकास सुनिश्चित करने में
आपके दायित्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। सुरक्षा का वातावरण, कानून का राज विकास की रफ्तार को तेज कर देता है। आप यूपी का उदाहरण ले सकते हैं। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है, और जब अपराध कम हुआ है तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है वहां निवेश भी उतना ही कम हो रहा है। सारे रोजी रोटी के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। मेरे परिवारजनों, आजकल आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इस दशक में टॉप थ्री अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा, और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं तो एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि इसका देश के सामान्य नागरिक पर क्या असर होगा, और यह सवाल बहुत स्वाभाविक भी है। साथियों, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। आप फार्मा इंडस्ट्री का उदाहरण ले लीजिए। महामारी के समय भारत के फार्मा इंडस्ट्री की बहुत सराहना की गई। आज ये इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है, और कहां ये जा रहा है कि 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। अब ये फार्मा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस दशक में फार्मा इंडस्ट्री को आज की तुलना में कई गुना ज्यादा युवाओं की जरूरत पड़ेगी। रोजगार के अनेक नए अवसर आएंगे। साथियों, आज देश में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स इस इंडस्ट्री में भी बहुत तेजी से बढ़त देखने को मिल रही है। फिलहाल ये दोनों इंडस्ट्री 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है। इस ग्रोथ को संभालने के लिए
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बहुत सारे संख्या में नए युवकों की जरूरत होगी, नए लोगों की जरूरत पड़ेगी, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे। आपने देखा होगा कि इन दिनों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के महत्व की भी काफी चर्चा होती है। भारत का फूड प्रोसेसिंग मार्केट पिछले साल करीब करीब 26 लाख करोड़ रुपए का था। अब अगले 3-3.5 साल में ये सेक्टर करीब 35 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। यानी जितना विस्तार होगा उतने अधिक युवकों की जरूरत पड़ेगी, उतने नए रोजगार के मौके खुल जाएंगे। साथियों, भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं। इससे देश भर में कनेक्टिविटी का विस्तार तो हो ही रहा है, इसने पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नई संभावनाओं को जन्म दिया है। और नई संभावनाओं का सीधा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनते जा रहे हैं। साथियों, 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का योगदान 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि अकेले इस इंडस्ट्री से 13-14 करोड़ लोगों को नए रोजगार की संभावना बढ़ने वाली है। इन सारे उदाहरणों से आप समझ कर सकते हैं कि भारत का विकास सिर्फ नंबर की रेस नहीं है, इस विकास का भारत के हर नागरिक के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार हो रहे हैं और इससे आय में बढ़ोतरी और क्वालिटी ऑफ लाइफ सुनिश्चित हो रही है। हम परिवार में भी देखते हैं ना, अगर हम किसान हैं, अच्छी फसल हुई, ज्यादा फसल हुई, अच्छे दाम मिले, तो घर के अंदर कैसे रौनक आ जाती है। कपड़े नए आते हैं, बाहर जाने का मन करता है, नई चीजें खरीदने का मन करता है। घर की अगर आय बढ़ी तो घर के लोगों के जीवन में भी बदलाव आता है। जैसे परिवार में है ना, देश में भी वैसा ही है। जैसे देश की आय बढ़ती है, देश की ताकत बढ़ती है, देश में संपत्ति बढ़ती है, तो देश के नागरिकों का जीवन संपन्न बनना शुरू हो जाता है। साथियों, पिछले 9 वर्षों के हमारे प्रयासों से परिवर्तन का एक और नया दौर दिखने लगा है। पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया। ये संकेत है कि दुनिया भर के बाजारों में भारतीय सामानों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा है और प्रोडक्शन के लिए जो नए नौजवान लगे उसके कारण रोजगार भी बढ़ा है और स्वाभाविक है इसके कारण परिवार की आय भी बढ़ रही है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। देश में
मोबाइल फोन की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। सरकार के प्रयासों ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी कई गुना बढ़ा दिया है। अब देश मोबाइल से आगे बढ़कर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी फोकस कर रहा है। आईटी हार्डवेयर प्रोडक्शन के लिए क्षेत्र में हम वैसी ही सफलता दोहराने वाले हैं जैसी मोबाइल के क्षेत्र में हासिल की है। वो दिन दूर नहीं होगा जब मोबाइल की तरह ही भारत में बने एक से बढ़कर एक लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर दुनिया में हमारी शान बढ़ाएंगे। वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर चलते हुए भारत सरकार भी मेड इन इंडिया लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे अनेक प्रोडक्ट्स खरीदने पर जोर दे रही है। इससे मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है और युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी बन रहे हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगा, अर्थव्यवस्था के इस पूरे चक्र को संभालने की, इसे सुरक्षा देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सभी, जब ये सुरक्षा कर्मी के रूप में आपका जीवन आरंभ हो रहा है, आपका कार्य आरंभ हो रहा है, तो कितनी जिम्मेवारी आपके सर पर है इसका आप भली भांति अंदाज लगा सकते हैं। मेरे परिवारजनों, 9 साल पहले आज के ही दिन प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 9 साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था, बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन जनधन योजना के कारण बीते 9 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोल चुके हैं। इस योजना से गांव गरीब तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचाने में तो मदद मिली ही है, और साथ ही महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला है। जब गांव गांव में बैंक खाते खुले तो इसके लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स के रूप में, बैंक मित्र के रूप में लाखों युवाओं को अवसर मिले। बैंक मित्र हो, बैंक सखी हो, इसके रूप में हमारे हजारों बेटे बेटियों को रोजगार मिला। आज 21 लाख से अधिक युवा साथी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, या तो कहें बैंक मित्र या बैंक सखी के रूप में गांव गांव में सेवाएं दे रहे हैं। बड़ी संख्या में डिजिटल सखियां महिलाओं और बुजुर्गों को बैंकिंग सेवा से जोड़ रही है। इसी प्रकार जनधन योजना ने रोजगार और स्वरोजगार के एक बड़े अभियान मुद्रा योजना को बल दिया। इससे महिलाओं सहित उन वर्गों को छोटे छोटे बिजनेस के लिए लोन लेना आसान हुआ।
जो कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इन लोगों के पास बैंकों को देने के लिए कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे में सरकार ने खुद उनकी गारंटी ली। मुद्रा योजना से अभी तक 24 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए जा चुके हैं। इसमें करीब 8 करोड़ साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया है, अपना काम शुरू किया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत करीब करीब 43 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, रेडी पटरी वाले जो लोग होते हैं ना हमारे, पहली बार बैंकों से बिना गारंटी का ऋण स्वीकृत हुआ है। मुद्रा और स्वनिधि के लाभार्थियों में बड़ी संख्या में महिलाएं, दलित, पिछड़े और मेरे आदिवासी युवा हैं। जनधन खातों ने गांवों में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत बनाने में भी बहुत मदद की है। आजकल तो मैं गांवों में जाता हूं, जब महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को मिलता हूं तो कई तो उसमें से आके गए, मैं तो लखपति दीदी हूं। ये सब इसी से संभव हुआ है। सरकार जो आर्थिक मदद करती है वो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के बैंक खातों में अब सीधे जमा होता है। जनधन योजना ने देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को गति देने में जो भूमिका निभाई है वो वाकई हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिए अध्ययन का विषय है। साथियों, अब तक रोजगार मेले के अनेक आयोजनों में लाखों युवाओं को मैं संबोधित कर चुका हूं। उन युवाओं को पब्लिक सर्विस या अन्य क्षेत्रों में रोजगार मिला है। गवर्नमेंट और गवर्नेंस में बदलाव लाने के मिशन में आप सभी युवा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप सभी उस पीढ़ी से आते हैं जहां सब कुछ बस एक क्लिक पर मिल जाता है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि लोग हर सर्विस की तेज डिलीवरी चाहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज की पीढ़ी समस्याओं का टुकड़ों में समाधान नहीं चाहती, उन्हें स्थायी समाधान चाहिए। इसलिए पब्लिक सर्वेंट होने के नाते आपको ऐसे फैसले लेने होंगे, ऐसी जिम्मेवारियां निभानी होगी, हर पल ऐसे तैयार रहना होगा जो लंबे समय तक लोगों के लिए फायदेमंद हो। आप जिस पीढ़ी से संबंध रखते हैं वो कुछ हासिल करने का इरादा रखती है। ये पीढ़ी किसी का फेवर नहीं चाहती, वो बस ये चाहती है कि कोई उनके रास्ते का रोड़ा ना बने। इसलिए पब्लिक सर्वेंट्स के तौर पर आपके लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमेशा जनता की सेवा के लिए है। आप ये समझते हुए काम करेंगे तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। साथियों, अर्धसैनिक बलों में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरा करने के साथ साथ आप सीखते रहने की प्रवृत्ति को भी बनाए रखें। आप जैसे कर्मयोगियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर 600 से ज्यादा अलग अलग कोर्सेज उपलब्ध है।
सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप सब भी इस पोर्टल से पहले दिन से ही जुड़ जाइए और पहले दिन से तय कीजिए मैं ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज करूं, ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट कोर्स करूं, ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट प्राप्त करूं। और आप देखिए, जो सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, आपके जीवन में उत्तम से उत्तम ड्यूटी करने के लिए है। एक श्रेष्ठ अफसर बनने का सामर्थ्य उसमें पड़ा हुआ है। साथियों, आपका क्षेत्र यूनिफॉर्म की दुनिया का है, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, फिजिकल फिटनेस में जरा भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि आपका काम समय के बंधनों में बंधा हुआ नहीं होता है। मौसम का हर मार आपको झेलना पड़ता है। फिजिकल फिटनेस ये आपके विभाग में काम करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस से ही आधा काम तो यूं ही हो जाता है। अगर आपके ढंग से आप खड़े हैं तो कानून व्यवस्था संभालने में कुछ करना नहीं पड़ता है, खड़ा रहना ही काफी हो जाता है। दूसरा मेरा मत है, आपकी ड्यूटी में तनावपूर्ण पल बहुत बार आते हैं, छोटी छोटी बात में तनाव आ जाता है। योगा ये आपके जीवन में नित्य प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप देखेंगे एक संतुलित मन आपके कार्य के लिए बहुत बड़ी ताकत देगा। योगा ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, स्वस्थ मन के लिए, संतुलित मन के लिए और आप जैसे लोगों की ड्यूटी में तनाव से मुक्त रहने के लिए ये जीवन का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। साथियों, देश 2047 में जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप सरकार में बहुत उच्च पद पर पहुंचे होंगे। ये 25 साल देश के और ये 25 साल आपकी जिंदगी के, कितना अद्भुत संयोग है। अब मौका आपको नहीं गंवाना है, अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य जितना उसका विकास कर सकते करिए, जितना ज्यादा समर्पण कर सकते हैं करिए, जितना ज्यादा जन सामान्य के जीवन के लिए अपने जीवन को खपा दे, आप देखिए जीवन में एक अद्भुत संतोष मिलेगा, एक अद्भुत आनंद मिलेगा और आपके व्यक्तिगत जीवन की सफलता आपको संतोष देगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद।